नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। पीएफ खाते में जमा 27,000 करोड़ की जो रकम है वो सरकार लोगों को वापस करेगी, ये इस वक्त बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने श्रमेव जयते योजना लॉन्च करते हुए कहा कि उनकी सरकार मजदूरों की परेशानी मजदूरों की ही आंखों से देखेगी। पीएम ने कहा कि अब हर पीएफ खाता धारक एक यूनिवर्सल नंबर पाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देते हुए पीएम ने कहा कि आईटीआई पास लोगों को हीन भावना से देखना बंद करना होगा। तमाम बड़ी बातें पीएम ने अपने संबोधन में आज कही हैं। दरअसल आज श्रमेव जयते का शुभारंभ हुआ है, जो लेबर लॉ है उसमें रिफॉर्म्स को लेकर तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफ खाते में जो 27,000 करोड़ रुपए जमा है वो सरकार लोगों को वापस करने वाली है। 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार की मालिकी के पैसे नहीं है। मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है और इसलिए मैंने खोज शुरू की है इस आईकार्ड नंबर से। वैसे कोई सरकार 27,000 करोड़ की स्कीम लगा दे तो हो सालों भर चलता है, वाह कैसी योजना लाए कैसी योजना लाए, लेकिन योजना का कौन है क्या हुआ कोई पूछता नहीं है। ये ऐसा काम है जो दुनिया कहते ना मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है। 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है, गरीब के जेब में वापिस जाए, इसके लिए कहीं तो शुरू करें। हमने उद्योगकारों को कहा है, जो एम्प्लॉयर है वो बड़े बड़े उद्योगकार नहीं, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, किसी के यहां 3 एम्प्लॉय है, 5 है 7 है 11 है 18 है, ऐसे लोग हैं, और 500 प्रकार के डिपार्टमेंट उसका गला पकड़ते हैं, 500 प्रकार के उसको फॉर्म भरने पड़ते हैं। दुनिया बदल चुकी है। आखिरकार मैंने मंत्रालय को कहा, मंत्री भाई ये सब बदलना है, मैंने तो इतना ही कहा है बदलना था, लेकिन क्या बदलना है। मंत्रालय ने मेहनत की, अफसरों ने लगातार काम किया और आज 16 अलग अलग प्रकार के फॉर्म हो रहे हैं। एक फॉर्म शायद 4-4, 5-5 पेजेज का होगा, उन सबको हटा करके अब एक बना दिया गया और वो भी ऑनलाइन, और अब किसी को और को जरूरत होगी तो उस नंबर पे जांच करेगा तो सब वहां उपलब्ध होगा। अब वो बार बार उसको पूछने नहीं जाएगा क्या करोगे तुम,